साथियों नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि ना तो चुनाव के दौरान बात हुआ है, ना किसी टीवी डिबेट पे हुआ है, ना ही कोई न्यूज वाले इस पे चर्चा की है, ना ही कोई नेता इस मुद्दे पे चर्चा करने का प्रयास किया गया है। जनता का मुद्दा कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम कांग्रेस ही रहेगा। और 10 साल पहले की बात मैं करने जा रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरा भाजपा के तंत्र महंगाई को डाइन लगता था और अब डार्लिंग हो गया है। लेकिन आज छठवें चरण का चुनाव है, इस पर आज तक किसी ने और कोई पार्टी ने इस पर विस्तार से नहीं बात किया कि इतनी महंगाई बढ़ी हुई है तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए और इस महंगाई को कैसे रोका जाए। क्या जनता को ये बताया गया कि महंगाई घटेगी या बढ़ेगी, किसी ने नहीं बताया। सिर्फ आज चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम कांग्रेस, सिर्फ यही जनता को मिलेगा। अरे जनता इतना बड़ा टैक्स दे रही है, जनता को फायदा क्या हो रहा है? रोजगार नहीं, बढ़ती हुई महंगाई में घटती हुई कमाई, लोग रोड पर उतरने लगे हैं, रोजी रोटी पे संकट आ गई है। कम से कम चुनाव, इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं तो इस पर तो चर्चा करना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर जनता विचार करती, उस पर जनता वोट करती। लेकिन किसी ने इस पर विचार नहीं किया, ना ही बात कर रहे। तो हमारा यही आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि महंगाई को क्या आने वाली सरकार घटाएगी या स्थित रखेगी या बढ़ाएगी, और बढ़ाएगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ना तो नेता जनता को बताई है, ना तो जनता नेताओं से पूछे हैं कि इसमें बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो साथियों, जैसे देश का 2 चरण चुनाव और बचा है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आज भी सवाल पूछा जा सके और आज भी जवाब और आज भी सवाल पूछा जा सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।